और फिजिकल ज्योग्राफी के पिछले लेक्चर्स में अपन ने नदी के बारे में विस्तार से अध्ययन किया है कि नदी का फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है, नदी को जल कैसे प्राप्त होता है और नदी की विभिन्न जो अवस्थाएं हैं उनके बारे में विस्तार से अध्ययन किया था। आज इस लेक्चर के अंदर नदी जो है अपने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि नदी के तीन कार्य करती है, नदी अपरदन करती है, परिवहन करती है और निक्षेपण करती है। आज इस लेक्चर के अंदर जो है नदी के अपरदन के द्वारा विभिन्न आकृतियों का निर्माण होता है उनके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। जो मैंने अभी कहा था कि अब अपरदन से निर्मित आकृतियां और जो निक्षेपण से निर्मित आकृति, जब भूमि का ढाल कम हो जाएगा या नदी मैदानी भाग में प्रवेश करती है तो अपने साथ जो प्रवाहित पदार्थ है उसका निक्षेपण करने लगती है। अपरदन से निर्मित आकृतियों के अंदर अभी अपन पढ़े एक एक आकृति का पढ़ेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम द विशे वैली। वियाकार की घाटी है, गोर्ज है, कैन है, जलप्रपात है, शिप्रिकाएं हैं, जल गिरतिकाएं हैं, स्ट्रक्चरल बेंचेस हैं और मेंढरस के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। ये जो आकृति है मेंढरस का, ये निक्षेपण में भी हम देखेंगे और इसमें भी देखेंगे क्योंकि ये दोनों के अंदर समृद्ध होती है और एक इनसाइज मेंढर के बारे में विस्तार से इसके अंदर पढ़ेंगे। ना नदी जो है वो जो बहता हुआ पानी है, द एक्सटेंडेड डिप्रेशन ऑन द ग्राउंड थ्रू विच द स्ट्रीम्स फ्लो थ्रू आउट इट्स कोर्स इज कॉल्ड द रिवर वैली। एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द इरोजनल साइकिल द वैली एक्वायर्स डिफरेंट प्रोफाइल्स। अपने स्टेजेस के बारे में विस्तार से पढ़ा है पिछले लेक्चर में, डिटेल में पढ़ा था कि यंग स्टेज जो पहली अवस्था है, युवा अवस्था के अंदर द वैली इज डीप नैरो स्टीप वॉल लाइक साइड्स, और जो प्रथम अवस्था के अंदर जो ढाल बनता है दैट इज अ कॉन्वेक्स ढाल बनता है, और जो अपरदन की क्रिया होती है इस अवस्था के अंदर वो हेडवर्ड इरोजन अपने डिस्कस किया था। वो हेडवर्ड इरोजन होने के कारण घाटी की गहराई निरंतर बढ़ती जाती है और इस वर्टिकल वर्टिकल डाउनवर्ड कटिंग होती है, इसलिए घाटी काफी गहरी हो जाती है और परिणामतः सबसे पहले जो घाटी का निर्माण होता है वी शेप वाली। और ये अपन ने उस वक्त पढ़ा था यंग फर्स्ट स्टेज के अंदर, और वी शेप वैली का जो मैंने अभी कहा था लंबवत अपरदन, द वर्टिकल जो है इरोजन जो है सर्वाधिक होने के कारण जो है वी शेप वैली का निर्माण होता है और ये धीरे धीरे जो है इस घाटी का आकार जो है वो बढ़ता जाता है। और इस क्रिक के अंदर भी अपन ने अपक्षय के प्रकार पढ़ा था और अपक्षय की क्रिया जो है इसके लिए काफी सहायता करती है। और वी शेप वैली जो है स्टूडेंट डायग्राम से अपन देख रहे हैं कि ये एक पहला इरोजन लैंडफॉर्म है और से वैली इज वेरी डीप एंड नैरो, बोथ द साइड्स आर मीट टुगेदर इन द वैली फ्लो, दस द वाटर जो दोनों साइड्स हैं वो एक तरीके से यहाँ आके मिल जाती हैं। तो ये वी शेप का एक बेसिक फॉर्मेशन है और अंग्रेजी के वी अक्षर का आकार घाटी का निर्माण देखने को मिलता है। दूसरी महत्वपूर्ण आकृति है अपरदन के द्वारा, यही वी शेप घाटी का जब जो है विस्तार होने लगता है और धीरे धीरे ये ए डीप एंड नैरो वी शेप वैली इज आल्सो रेफर्ड टू बी गॉर्ज। गॉर्ज जो है वी शेप घाटी का ही एक विस्तृत रूप है एंड दिस इज रिजल्ट। ये बनता क्यों है? ड्यू टू द डाउन कटिंग, अभी मैंने कहा था अपन ने कहा था वर्टिकल इरोजन के कारण डाउन कटिंग इरोजन एंड बिकॉज ऑफ द डिसीजन ऑफ द वाटरफॉल मोस्ट हिमालयन रिवर्स। ये एक बहुत क्वेश्चन बनता है, मोस्ट ऑफ द हिमालयन रिवर्स पासेस थ्रू द डीप गॉर्जेस। ये अपने भारत की जो उत्तर भारत की अधिकांश नदियां हैं ये गहरे खड्ड का निर्माण करती हैं, और उदाहरण के लिए ब्रह्मपुत्र सिंधु नदी जो है पर्वतीय भागों से ऐसे गहरे गॉर्ज का निर्माण करती हैं। तीसरा जो महत्वपूर्ण वो आए इसमें लेंगे अपन गॉर्ज, और गॉर्ज के बाद जो उसका विस्तृत रूप बनता है वो कैनन बन जाता है। कैनन का जो फॉर्मेशन होता है मतलब एन एक्सटेंड फॉर्म द गोर्ज इज कॉल्ड द कैनन, उसका बहुत बड़ा विस्तृत कार है और इसका आकार काफी विस्तृत होता है। जब किसी पठारी भाग में शैले आड़ी तिरछी हो या वर्षा कम होती है तो उस स्थान पर बहने वाली नदी की घाटी बहुत गहरी और तंग होती है। ऐसी गहरी तंग घाटी को जो है प्रपात खड्ड कैनन कहा जाता है। इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो उदाहरण जो मिलता है वो संयुक्त आय जमैका से मिलता है, यूएसए से मिलता है, और संयुक्त कोलोराडो नदी प्रपात जो खड विश्व प्रसिद्ध है। ये खड जो है 320 किलोमीटर लंबा, 8 से 20 किलोमीटर चौड़ा और 1.8 किलोमीटर में लेंगे, 1080 मीटर 1.8 किलोमीटर में लेंगे तो गहरा है। भारत का जब संबंध में लेते हैं, भारत में कृष्णा नदी ने भी महाबलेश्वर के समीप जो है 600 मीटर गहरे खड की रचना की है। सिंधु नदी कैनन का बहुत
का एक अच्छा उदाहरण हमारे प्रस्तुत करती है। सिंधु नदी का जो है 6,000 मीटर से भी अधिक गहरा कैनन का निर्माण करती है। नो ट्रिब्यूटरी वैली इज लेस अबाउट द मेन वैली एंड सेपरेटेड फ्रॉम इट्स स्टीप फ्लो डाउनवर्ड द स्टीप वैली फ्लो एज वाटरफॉल दे सीरीज ऑफ रैपिड्स। अब रैपिड्स और वाटरफॉल का करेंगे, रैपिड्स इनिशियल स्टेज है, वाटरफॉल उसके विस्तृत भाग है। और ये जो क्रिया है ये स्टार्टिंग फ्रॉम द रिशे वैली टू कैनन टू द गोर्स गोर्स टू द कैनन ये कंटिन्यूस चलता है। और एज द साइकिल अटेन्स द मैच्योरिटी परिपक्व अवस्था में पहुंचती नदी तो किनारों की ओर अपरदन बढ़ जाता है। तो उसका जो तली है द फ्लोर फ्लैटन्स, इरोजन बिकम्स प्रोमिनेंट एंड द वैली फ्लोर फ्लैटन्स नीचे बढ़ता है। और जो ये वी शेप वैली है द प्रोफाइल नाउ बिकम द टिपिकल यू शेप वैली क्योंकि उसका तल जो है चौड़ा होने लगता है किनारों की तरफ से। तो ये वी आकार की घाटी जो है यू आकार की घाटी में परिवर्तित हो जाती है और ढाल जो होता है वो कॉनकेव स्लोप का निर्माण होता है यहाँ पर। और नेक्स्ट इज द जलप्रपात वाटरफॉल्स, एक बहुत महत्वपूर्ण आकृति है जो कि नदी अपने मार्ग बनाती है। और ये नदी के मार्ग में जब पहाड़ चट्टाने जो होती हैं वो चट्टाने जो अपने डिस्कस किया था इस लेक्चर्स में, कुछ चट्टाने मुलायम होती हैं कुछ कठोर होती हैं। तो अर्थात बहता हुआ जल है नदी की जो कमजोर चट्टाने हैं मुलायम चट्टाने हैं वो शीघ्र से काट जाता है और कठोर चट्टाने जो है शेष रह जाती है। तो पानी जो है वो तेजी से नीचे गए ढाल तीव्र हो जाता है और धीरे धीरे जलप्रपात का निर्माण करता है। जो छिप्रिकाएं हैं ये इनिशियल स्टेज ऑफ द रैपिड्स है, शुरुआत प्रारंभ में रैपिड्स बनती है फिर धीरे धीरे जो है वो जलप्रपात का निर्माण होता जाता है। अब मैंने अभी डिस्कस किया था कि हार्ड रॉक डायग्राम में हार्ड रॉक एंड सॉफ्ट रॉक, जब पानी बहता है तो ऊपरी जो ये हॉरिजेंटल जो है चट्टाने जो है जो बिछी हुई है ऊपर की रॉक और नीचे जो मुलायम की चट्टान जो नीचे की चट्टान कट जाती है तो ये एक जलप्रपात का निर्माण हमें देखने को मिलता है। और यहाँ पर अंडर कटिंग होने के कारण ये प्लंग पूल ये अभी देखेंगे अपन उसमें आगे भी प्लंग पूल का निर्माण भी देखने को मिलता है। दो महत्वपूर्ण आकृतियां और हैं जो नदी के निर्माण होता है, एक स्ट्रक्चरल बेंचेस। स्ट्रक्चरल बेंचेस जो हैं ये जब नदी के मार्ग में कठोर या मुलायम हार्ड इन द रॉक्स जो है वो एक के ऊपर एक बिछी रहती हैं। तो अब वही क्या कि मुलायम चट्टानें आसानी से कट जाती हैं और अपरदन तीव्र गति से होता है, नदी घाटी के दोनों तरफ सीढ़ीनुमा आकृतियां विकसित हो जाती हैं, ये स्ट्रक्चरल बेंचेस कहलाती हैं। स्ट्रक्चरल बेंचेस और टेरेसेस नदी वेदिकाएं लगभग आकृति इसी रूप में बनती है दोनों पर। दूसरा है नदी वेदिकाएं रिवर टेरेसेस, नदी जो है वो रिनिजुएशन पुनर्यौवन ये एक जो क्रिया है और डेल्टा के फॉर्म में भी एक महत्वपूर्ण आकृति का निर्माण करेगा। नदी जो है कभी कभी दोबारा से युवा अवस्था को ग्रहण करती है और उसका कारण यह है कि या तो फॉल्ट के कारण या सागर तल नीचा होने के कारण भाग ऊपर उठ जाता है या नीचे गिरता है तो नदी का ढाल अचानक तीव्र हो जाता है और तीव्र होने के कारण जो है ये आकृतियां जो है बनती हैं रिवर ट्रेसेस। नौ नदी जब बहती है लगातार तो उसमें आपने पहले डिस्कस किया था उसके पदार्थ जो है वो कुछ लुढ़क कर बहता है इसके धरातल पर और कुछ तैरता हुआ कुछ घुलनशील के कारण जो पदार्थ जब बहता है और नदी का जो तल होता है उसमें चट्टानें जो है एक प्रकार की होती है कुछ कठोर होती है कुछ मुलायम होती है। तो जो बहता हुआ पदार्थ है वो या पेबल्स हैं वो बोल्डर्स हैं वो छोटे छोटे गड्ढों का निर्माण करते हैं और ये जो गड्ढे हैं इन उनमें भंवर उत्पन्न होते थे इन डिप्रेशंस के अंदर और उसके कारण जो है छोटी छोटी नदी के तल के ऊपर छोटी छोटी आकृतियां बन जाती हैं उन्हें जो पैटहॉल्स या जो है जलगृतिकाएं कहा जाता है। और जो प्लंग पूल है मैंने डिस्कस किया था आपने ये झरना जहाँ गिरता है वहां एक विस्तृत आकार देखने को मिलता है। ना प्लंग पूल जो है ये मैंने डिस्कस किया जो कट जो सॉफ्ट पार्ट था रॉक्स का वो इरोडेड हो गया और इसके अंदर चट्टाने जो बहती हैं वो भंवर उत्पन्न करती हैं साइकेशन फॉर्म में और ये निर्माण होता है। और वाटरफॉल का जो नीचे का जब वाटरफॉल नीचे गिरता है तो एक विस्तृत आकृति का निर्माण हमें देखने को मिलता है, ये सामान्यतः सभी नदियों में देखने को काफी मिलता है, ये प्लंग पुल कहलाता है। यहाँ पर एक विस्तृत गड्ढे का निर्माण होता है।
अभी मैंने डिस्कस किया था कि रिवर जब बहती है तो उसके धरातल पर इस प्रकार के गड्ढों का निर्माण होता है। ये पैथोल जो है महत्वपूर्ण आकृति जल कृतिकाएं। एक महत्वपूर्ण आकृति जो है रिवर मेंडल्स, और रिवर मेंडल्स को अपन आयपर्दन और निक्षेपण दोनों में पढ़ेंगे, क्योंकि जब नदी मैदानी भागों में प्रवेश करते हैं तो भूमि का ढाल कम हो जाता है। ढाल कम होने से नदी जो है उसके मार्ग में छोटा सा भी अवरोध आने के अपन उसका मार्ग बदल लेती है, और जब मार्ग बदलती है तो उसका एक बाहरी किनारा होता है और एक आंतरिक किनारा होता है। तो नदी का जल धारा जो है बाहरी किनारे पर जो है अपरदन करती है और आंतरिक किनारे पर निक्षेपण करती है। तो ये घूमकर बहती है, मोड़ों मोड़ों को लेकर, टेढ़े मेढ़े मोड़ों को लेकर बहती है। तो मेन रस कहलाता है, या नदी विसर्ग कहलाता है। और ये विसर्ग जो है मैंने अभी कहा था, क्योंकि बाहरी मोड़ के ऊपर अपरदन, आंतरिक मोड़ निक्षेपण, इनका धीरे 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 आकार भी बढ़ता जाता है। और एक महत्वपूर्ण आकृति जो बनती है पेनिप्लेन, जो अपन ने अपरदन चक्र में पढ़ा था कि नदी जो है अपनी अंतिम अवस्था के अंदर जो है किनारों की ओर अपरदन करती है और विस्तृत मैदान का निर्माण करती है, जिसे पेनिप्लेन या समपर्याय मैदान कहा जाता है। नो स्टूडेंट्स, ये और बहुत महत्वपूर्ण आकृति है, अपनी हिंदी बुक्स में शायद नहीं मिलेगा, कुछ इंग्लिश बुक्स में दे रखा है, इनसाइज मेंडस। और इनसाइज मेंडस का मैंने अभी डिस्कस किया था कि ये वहां बनते हैं जब नदी जो है अपनी पुनर्यौवन रेजुनेशन, और वो मैंने कहा था पुनर्यौवन, या तो कोई भाग ऊपर उठ जाए या सागर का तल नीचे गिरता है, तो नदी जो है हेडवर्ड दोबारा से कटिंग करती है और गहरे गहरा निर्माण करती है। तो ये जो मेंडस बनते हैं ये इनसाइज मेंडस कहलाते हैं। ये काफी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट, दे आर वेरी डीप वाइड मेंडस। मैंने अभी कहा कि लोग जो है चैनल से हॉन कट इन द हार्ड रॉक्स इन द कोर्स ऑफ टाइम, द डीपेंस द वाइड एंड द गॉर्ज एंड द कैनन इज अ हार्ड रॉक। द डिफरेंस बिटवीन द नॉर्मल मेंडस एंड द इनसाइज मेंडस इज दैट लेटर फाउंड द हार्ड रॉक्स वो। और एक इसमें ये मैंने कि बनावट मैंने आपको बताया कि ये उस अवस्था के अंदर जब नदी जो है वो अगर किसी कारण से भी, किसी भी कारण से फॉल्ट होता है, तो उस कारण से नदी का ढाल तीव्र होने के कारण ये मेंड्रस के गहरे मेंड्रस का निर्माण देखने को मिलता है, और ये कहलाता है इनसाइज मेंड्रस। और एक महत्वपूर्ण जो क्रिया करती है, तीसरी दूसरा जो महत्वपूर्ण कार्य करती है, अभी अपन ने अपरदन की क्रिया, दूसरा परिवहन करती है। तो जो कटा हुआ पदार्थ है उसको नदी अपने साथ बहा कर ले जाती है और मैदानी भागों पर इसका निक्षेपण कर लेती है जब नदी का ढाल कम हो जाता है। नदी अपनी यौवन अवस्था से उसके जल से मिले पदार्थ को बहा कर ले जाती है, और बहा कर ले जाने वाली शक्ति उसके बहाव की गति पर निर्भर करती है। डिस्कस किया था अपन ने, यदि नदी का बहाव तिगुना तेज हो जाता है तो नदी की बाहर वहन करने की क्षमता 3:6 अर्थात 7:69 गुना हो जाती है, और यदि का बहाव दुगुना है तो 2:6 तो 64 गुना हो जाती है। नदी सामान्यतः अपने डिस्कस किया है तीन प्रकार से पदार्थों का परिवहन करती है, कुछ पदार्थ उसे मिल जाता है, कुछ उसमें तैर के चलता है, और कुछ उसकी तली के ऊपर जो है लुढ़कता हुआ पदार्थ जो है वो चलता है और उसके धरातल पर रगड़ कर खरोंचे का निर्माण करता है, अपरदन करता है उस कारण से। और नदी जो है अपनी जो अंतिम अवस्था पूर्णावस्था में जो कटाव जो है बहाव दोनों क्रिया करती है, किंतु परिवहन का कार्य जो है सबसे महत्वपूर्ण रहता है, और उपयुक्त जो पदार्थ ऊपर से लाया है वो उसका धीरे धीरे वो है निक्षेपण करने लगते हैं। नदी के प्रभाव में शैलों के छोटे और महीन टुकड़े प्रवाह के ऊपरी धरातल पर रहते हैं, तथा बाहरी तथा मोटे टुकड़े मैंने डिस्कस किया था उसके बेस पे नितल के साथ लुढ़कते हुए प्राय सभी नदियां बहुत बड़ी मात्रा में इस पदार्थ को बहा कर ले जाती है। नाउ ट्रांसपोर्टेशन का एक अगर उदाहरण लें, उदाहरण के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका की जो नदियां हैं वो प्रतिवर्ष 100 करोड़ टन पदार्थ, और इंग्लैंड की जो टेम्स नदी है वो 5.4 लाख टन, और भारत की गंगा नदी, ये एक उत्तर भारत के मैदानी भागों की सबसे महत्वपूर्ण नदी गंगा नदी, इंडियन ज्योग्राफी में आपको मैं लेक्चर दिया आपको, भारत की गंगा नदी 10 करोड़ टन पदार्थ को बहा कर लाती है, और परिणाम तो यही है उत्तर भारत के मैदान जो है वो हमेशा उपजाऊ बने रहते हैं, क्योंकि हिमालय से जो है ये पदार्थ को बहाकर इन मैदानों में लाकर जमा करती है, और इसकी उपजाऊ क्षमता हमेशा बनी रहती है। थैंक यू।